हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इसमें बात करने वाले हैं टीसीएस प्रमोशन एमफेसिस अनबोर्डिंग अपडेट की रिगार्डिंग और मार्केटिंग का क्या करंट सिचुएशन चल रहा है। सो तीन टॉपिक्स में मैं आप सबसे बात करूंगा यार। सो पहले मैं निपटा देता हूं एमफेसिस अनबोर्डिंग अपडेट की रिगार्डिंग यार। सो एमफेसिस की अनबोर्डिंग जो होने वाली थी वो होने वाली थी 22 एक बैच की, ठीक है। सो अभी शायद से उसका कुछ भी अपडेट नहीं आया है। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आप सबको बता दूंगा। अगर आपके पास कुछ स्टेटस हो उसका तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। ये रहा स्टेटस एम्फेसिस अनबोर्डिंग अपडेट की रिगार्डिंग। अब हम लोग दूसरी चीज़ बात करेंगे टीसीएस प्रमोशन की रिगार्डिंग। सो देखिए, टीसीएस के प्रमोशन की रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में बोला था रिकमेंडेशंस आना स्टार्ट हो गए। देखिए, रिकमेंडेशंस हमेशा हर लगभग महीने में अगर आप देखेंगे एचआर टू मैनेजर, ये डेटा जाता रहता है, आता जाता रहता है। बट अभी कोई भी अभी एक सिंगल बंदा नहीं मिला होगा। जो टीसीएस कन्फेशन पेज है वहाँ पे भी अगर आप लोग चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे भी किसी एक बंदे का भी प्रमोशन अभी नहीं दिखा है मुझे फिलहाल। सो अभी प्रमोशन इसका मतलब कि होल्ड पे ही है, बट डेटा अभी रिकमेंडेशन ये एचआर टू मैनेजर अभी वो लोग कर रहे हैं। बट कॉर्पोरेट एचआर से अगर आप लोग देखेंगे, अगर अपने मैनेजर से बात करेंगे कि क्या स्टेटस है, तो यही वो लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट एचआर से अभी कुछ अपडेट नहीं आया। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आप सबको बताऊंगा। सो यार, ये मान के चलिए कि अभी कुछ फिक्स टाइम नहीं है यार। क्या मतलब टीसीएस एग्जैक्टली करने वाली है? अभी आप लोगों को न्यूज़ मिल गया होगा कि टीसीएस का स्कैम हुआ है, तो चार आरएमजी या उस तरीके से कुछ सीनियर मैनेजमेंट थे जो पैसे का स्कैंडल उनका वहाँ पे उन लोगों ने किया है। तो टीसीएस अभी पहले जैसे टीसीएस नहीं रही। मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। सो जहाँ चार साल में प्रमोशन हो जाता था आईटीआई का, अगर जिसका ठीक बैंड रहता था उसका चार साल में इनिशिएट कर देते थे और हो भी जाता था, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो ये काफ़ी वरिंग है। और देखिए, आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपका टीसीएस ही गुजारा नहीं होने वाला है। सो आपको देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबको, थोड़ा रनिंग या मॉर्निंग में वॉक एटलीस्ट एक घंटे अगर आप लोग देंगे थोड़ा सा, अगर जो मैं पर्सनल करता हूँ अपना, सो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आप सबको। उससे देखिए आपकी मेंटल हेल्थ और आप मतलब अनगिनत फायदे होते हैं उससे, जिससे कि आपको इस जॉब स्विच के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा एक पुश मिलेगा उस चीज़ से। तो प्लीज़ अगर आप करना चाहते तो प्लीज़ ट्राई करिए, जरूर ये हेल्प करेगा। एक जगह मत बैठिए, थोड़ा स्विच के बारे में सोचिए। तो मैं अब ये बता दूं कि अभी टीसीएस स्टेटस प्रमोशन क्या है। सो अभी के लिए मैं बता दूं किसी का भी प्रमोशन नहीं हुआ है। हाँ, रिकमेंडेशंस जा रही है, आ रही है एचआर मैनेजर की तरफ से, लेकिन ऑफिशियली अभी अगर आप देखेंगे कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है। आगे कब होगा ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यार कि अभी आईटी मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है, मतलब कि कितना लोग स्विच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहले जैसा हाइक तो नहीं है और ना ही कभी आगे देखने को उतना ज़्यादा मिलेगा हाइक, ठीक है। जो कोविड के टाइम पे था 2021-22 था जैसा मार्केट, वैसा अब नहीं है। बट अब ये देखने वाली बात होगी यार कि इन फ्यूचर कैसा रहता। तो मेरे हिसाब से 1-2 साल काफ़ी टफ जाने वाले हैं, मतलब जो टफ इन द सेंस लाइक उस प्रकार का हाइक नहीं है, उतना ज़्यादा वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेंगे, देखेंगे बहुत ही कम, म्यूटेड रहेगा। सो देखिए, जो पहले जो अभी कोविड के टाइम पे जितना हाइक मिल जा रहा था, 100% या 150-200 भी हाइक्स मिले हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग देखेंगे वैसा इन फ्यूचर होना थोड़ा टफ रहेगा, मुश्किल रहेगा। बट हाँ, अभी अगर आप सबको देखा जाए स्विच करने के बारे में अगर मैं बताऊँ तो 30-40-50% एटलीस्ट मिल जा रहे हैं आराम से। सो लोग स्विच भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्विच नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप लोग देखे होंगे न्यूज़, जो टीसीएस की ओमेंस फीमेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजाइन की, क्योंकि टीसीएस का स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उन्होंने बोला है बस कि यार 2025 मॉडल हम लोग यू नो एग्जीक्यूट करें। बट कुछ ऐसा प्लान मेरे को नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि 24 आने वाला है। सो 25 में अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम 2025 मॉडल एग्जीक्यूट करेंगे तो वो दिख नहीं रहा है। स्ट्रिक्टनेस की वजह से लेडीज़ जो हैं वो जॉब छोड़ी हैं, ठीक है। सो यही बात अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में जॉब अभी भी अवेलेबल हैं, कॉल्स कम आ रही हैं। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट अच्छा रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई भी उसी तरीके से ज़्यादा होता है, ठीक है। सो अगर आप लोग अभी देखेंगे तो मार्केट उतना भी ख़राब नहीं है, चल रहा है आराम से।
चीज़ें हो रही हैं, बट इतना ज़्यादा हाइक नहीं मिल रहे। देखिए 30-40-50% जो मैंने बोला ये मिल रहे हैं। सो आपके अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो अगर आप लोग राइट स्किल रहेगा तो देखिए हाइक आराम से मिल जाएगा। अगर अच्छा भी देखें, जिसका स्किल सेट अच्छा है, रिक्वायरमेंट अच्छी है, तो उसको 100% मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट बात यह है कि अगर ओवरऑल इन जनरल सिनेरियो की मैं बात करूँ तो यार 30-50% आप मान के चलिए कि इतना जनरल सिनेरियो में हाइक मिल रहा है अभी भी, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये इन डेप्थ थोड़ा मिल गया होगा चीज़ें कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली आईटी मार्केट में एंड क्या स्टेटस है ऑनबोर्डिंग वगैरह के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।